सालों से आस्था का केंद्र रहा बाबा महाकाल का धाम अब और भी खास हो गया है। गुड न्यूज टुडे के कैमरे पर कैद हुई महाकाल लोक के कोने कोने की ये तस्वीरें इसके नए स्वरूप की भव्यता और दिव्यता की कहानी बयान कर रही है। बताया जा रहा है कि पूरा बनने के बाद ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी चार गुना बड़ा होगा। महाकाल लोक इतना विशाल होगा कि पूरा मंदिर परिसर घूमने और दर्शन करने में करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। पूरा परिसर बनने के बाद एक बार में करीब 2 लाख श्रद्धालु यहां एक साथ दर्शन कर पाएंगे। कॉरिडोर की बनावट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि दुनिया भर के श्रद्धालु जब यहां दर्शन के लिए आएं, तो यहां जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह उन्हें बस अपने आराध्य महादेव की झलक दिखाई दे। यहां तक कि कॉरिडोर में नंदी द्वार से लेकर मंदिर तक बनाए गए 108 स्तंभों में भी भक्तों को महादेव की मुद्राओं के दर्शन होंगे। आपने भगवान शिव के तांडव स्वरूप के बारे में सुना होगा, लेकिन उस तांडव स्वरूप में एक आनंद नृत्य होता है भगवान शिव का, जिसे इन खंभों पर उकेरा गया है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये महज खंभे नहीं है, 108 खंभे नहीं, बल्कि इस पूरी कॉरिडोर में जब आप चलना शुरू करेंगे तो हर खंभों पे चारों दिशाओं में जो भगवान शिव के तांडव नृत्य के आनंद जो आनंद नृत्य है जो तांडव स्वरूप में, उनकी मुद्राएं 108 अलग अलग मुद्राएं जो है वो इन खंभों में उकेरी गई हैं। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर के हर कंकड़ को ही शंकर की छवि में नहीं ढाला गया है, बल्कि यहाँ के पेड़ पौधों और ग्रीन बेल्ट को शिवमय बना दिया गया है। यानी पूरे परिसर में ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो कि भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। इस पूरे कॉरिडोर को ग्रीन कवर भी दिया गया है। अब ग्रीन कवर के लिए ऐसे पौधों को चुना गया जो कहीं ना कहीं भगवान शिव के प्रिय हैं, और अगर इस पूरे कॉरिडोर में आप देखें तो जिन पौधों को लगाया गया है उसमें बड़ी संख्या में ऐसे पौधे हैं जिसमें कैलाशपति है, शमी है, रुद्राक्ष है, सप्तपर्णी है, गुलर के पौधे हैं। इन तमाम पौधों को जगह दी गई है यहाँ पर जो भगवान शिव के प्रिय हैं। इसके अलावा नजदीक ही तैयार किया गया रुद्रसागर भी महाकाल लोक की दिव्यता में 4 चांद लगा रहा है। रुद्रसागर को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया गया है। लेकिन अब जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित रुद्रसागर है। रुद्रसागर को अगर आप देखें तो पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्जीवित करते हुए अब इसे एक बेहद साफ सुथरी झील का रूप दे दिया गया है, जो कि इस महाकाल कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा होने जा रहा है। इसी रुद्रसागर के किनारे बैठकर लोग सुकून के कुछ पल प्रकृति के बीच में बिता सकेंगे। यहां पर फव्वारे चलेंगे, रंग बिरंगी रोशनियां होंगी। आगे आने वाले समय में जब इस महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण पूरा होगा तो यहां पे लाइट एंड साउंड शो होगा। महाकाल के धाम को निखारने और संवारने की तपस्या बरसों पहले शुरू हो गई थी, जो आज महाकाल लोक के भव्य और दिव्य परिसर के रूप में सबके सामने है। पूरे महाकाल लोक को बनाने में लगभग 800 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। अब तक इसका पहला चरण बनकर तैयार हुआ है। इसमें करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब से कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद देश के प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद इस परिसर के द्वार महाकाल के भक्तों के लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। उज्जैन में महाकाल लोक से रवीश पाल सिंह और अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।